तुम लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, हमारा कल्चर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारा कल्चर निकाह है और हया है और पाक दामनी। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। अपनी इज्जत की, अपनी नामूस की, अपनी चादर की, अपने दामन की हिफाजत करो। हम अपने वालदैन की राय के साथ करते हैं शादियां भी निकाह भी, उनकी दुआएं साथ लेकर करते हैं। इस कल्चर ने कोर्ट निकाह तक लड़कों को पहुंचा दिया और कोर्ट के निकाह 99.9 क्या 110% नाकाम होते हैं कि जब जब गर्लफ्रेंड बीवी बन जाती है फिर वो डायन बन जाती है, फिर वो बीवी नहीं होती है, फिर वो सारी मोहब्बत खत्म हो जाती हैं, फिर आए अग्गे तो मगर मगर होती। तो वो मोहब्बत जो शादी के बाद पैदा होती है वो असल मोहब्बत होती है, वो असल प्यार होता है। लिहाजा बच्चों, मैं आपको नसीहत करता हूँ अपनी तहजीब को, हमारी मशरकी तहजीब नहीं, हमारी इस्लामी तहजीब, हमारी मशरकी अकदार नहीं, हमारी ईमानी अकदार, हमारी वैल्यूज हैं। वो वैल्यूज हमें मशरक ने नहीं दी, हमें हमारे नबी ने दी। तो अल्लाह के वास्ते अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपने माँ बाप की। हाँ, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है पसंद ना पसंद का, इस हद तक कोई मना नहीं है, लेकिन आखिर तक माँ बाप को ठुकरा के चले जाना, उस माँ को ठुकरा देना।